अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स इन लेक्चर नंबर 5। दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन। ये आपके लिए एक रिफ्रेशर है जो हमने पहले भी कवर किया है। एजेंट की डेफिनेशन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे एनवायरनमेंट से सेंसर्स के थ्रू एजेंट ने डाटा लेना है। ये क्वेश्चन मार्क जो बॉक्स के अंदर है, ये एजेंट का प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे आपने कोड राइट करना है। वो कोड एजेंट के एक्चुएटर्स को कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा कि ये इंफॉर्मेशन आ रही है तो इसके अगेंस्ट ये एक्शन परफॉर्म करके आप एनवायरनमेंट में दे दें। इस तरह एक साइकिल चल पड़ता है, जो कि इन्वायरमेंट से डेटा लिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की, कोई कोड ने काम किया, उसके अगेंस्ट जो भी उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली उसने एजेंट को कहा एक्चुएटर्स को यूज करें और एनवायरमेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक। ऑलराइट, अब स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स की तरफ आते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि एजेंट वर्क कैसे करता है, हमने वो साइकिल भी देख लिया कि एनवायरमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंट के बारे में जो भी उसकी टाइप्स थी वो भी हमने लेक्चर 4 में डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि एजेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक एजेंट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स के अंदर चार चीज़ें आती हैं, एजेंट का बिहेवियर या एजेंट के एक्शंस, उसने एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, एजेंट प्रोग्राम, आपने कोडिंग क्या करनी है, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एजेंट प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एजेंट के सारे सेंसर्स का इल्म होना चाहिए कि कौन कौन सा सेंसर क्या क्या परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि पहले हार्डवेयर होगा फिर सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर होगा तो उसकी कोडिंग की जाती है, ऐसे हवा में ऑटोमेटिकली कोड नहीं लिखा जाता। उसके बाद आता है एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन होती है। एजेंट प्रोग्राम वन बाय वन, एक परसेप्ट आया आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये एजेंट प्रोग्राम का काम है। जब विद द टाइम ये सारी कलेक्शन हो जाती है तो ओवरऑल एक वर्किंग सामने आती है कि इस तरह के एनवायरमेंट में ये एजेंट इस तरह का काम करता है। तो इस ओवरऑल एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एजेंट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है एजेंट आर्किटेक्चर। ठीक, एजेंट के हार्डवेयर पार्ट्स को हम एजेंट का आर्किटेक्चर कहते हैं। ऑलराइट, अब इन सब के ऊपर फॉर्मल एक एक पूरी स्लाइड है, डिफाइन किया हुआ है, थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। फर्स्ट इज एजेंट बिहेवियर। जो भी एनवायरमेंट के अंदर एजेंट ने एक्शन करके देना है उसे एजेंट बिहेवियर कहते हैं। और एजेंट बिहेवियर के लिए हमें हार्डवेयर पार्ट चाहिए होता है एक्चुएटर का, जिसके थ्रू एजेंट ने एनवायरमेंट के अंदर कोई काम परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बनाया स्मोक डिटेक्टर सिस्टम बनाया, उसके अंदर क्या था कि जैसे ही स्मोक डिटेक्ट की जाए वैसे ही वो रेन करते, कोई पानी गिरा दे या जो भी, तो उसके अंदर जो एक्चुएटर है वो शॉवर है और एक्शन क्या है, टू रेन। ठीक, तो इस तरह दिस इज व्हाट एजेंट बिहेवियर इज, कि वो एक एनवायरमेंट के अंदर, गिवन द एनवायरमेंट जिसके अंदर वो चल रहा है, वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। अब ये एक सिंपल सी डायग्राम है, इसमें एनवायरनमेंट से सेंसर के थ्रू इनपुट जा रही है, उस पर एजेंट ने अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन लगाया हुआ है और उसके अगेंस्ट एक्शन की आउटपुट मिल रही है, एनवायरनमेंट में ही वो आउटपुट जा रही है। ठीक, एजेंट का बिहेवियर हमेशा एनवायरनमेंट को असरअंदाज करता है। पहले एनवायरनमेंट की कोई और फॉर्मेशन होती है, एजेंट के बिहेवियर होने के बाद एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर। ठीक है, इस चेंज को जो एनवायरनमेंट की आफ्टर एक्टिंग ऑफ एजेंट इन दैट एनवायरनमेंट जो चेंज आता है, इसमें कहते हैं स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। पहले स्टेट एक्शन से कुछ और थी, एजेंट ने जब उसमें एक्शन परफॉर्म कर दिया तो स्टेट चेंज हो जाती। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एजेंट प्रोग्राम। दिस इज बेसिकली द जॉब ऑफ एआई। यहाँ पे आपने एआई को कोड करना है, यहाँ पे आपने उसे बताना है कि जो सेंसर्स आपने लगाए हैं उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। एजेंट प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एजेंट के सारे सेंसर्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। अब ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख देना जिसका कोई एक्चुएटर ही ना हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोड लिख दिया कि एजेंट की लेग को कंट्रोल करो, जबकि एजेंट में कोई लेग ही नहीं लगी हुई। तो इस तरह के एरर्स नहीं करने, जो चीज़ हो उसी का कोड करना है। इसलिए प्रोग्राम लिखने से पहले इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू स्टडी दी हार्डवेयर ऑफ एजेंट। पहले हार्डवेयर को पढ़ें, उसे देखें, उसे कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, कौन कौन सी वो लैंग्वेज के ऊपर चल सकता है, वो सी शार्प में ऑपरेटेबल है, सी में है, मैटलैब में चलेगा, पाइथन में चलेगा। पहले उसको ओवरऑल स्टडी करें, उसकी जो लिंकिंग लाइब्रेरीज हैं उन सबको स्टडी करें,
उसके बाद आप एजेंट के प्रोग्राम को लिखने की तरफ आए। ये ना हो कि आप उसके अडेप्टर्स मिस कर जाएं, उसकी जो ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं आपको उनका एम ही ना हो, आपका जो लिटरेचर की स्टडी है वो कंप्लीट ही ना, और आप कोड लिखना शुरू कर दें, फिर मसला होता है। ऑलराइट, जॉब ऑफ एआई इज टू डिजाइन एजेंट प्रोग्राम, यहाँ पे सही काम आता है एआई का। इसके अलावा जो बाकी चीजें वो तो हार्डवेयर है, सेंसर आपने नहीं बनाना, वो आपको बना बनाया मिलेगा। हाँ, सेंसर को कंट्रोल आपने करना है, सेंसर को ऑपरेट आपने करना है, वो किस तरह करेंगे, एजेंट प्रोग्राम के थ्रू। एजेंट प्रोग्राम डिस्क्राइब्स हाउ द इनसाइड्स वर्क, के अंदर काम कैसे चल रहा है। दिस इज द व्हाइट बॉक्स स्टडी, यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल होता है प्रोग्रामिंग का। ऑलराइट, इम्प्लीमेंट्स द एजेंट फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एजेंट फंक्शन एक ओवरऑल व्यू होता है कि एक एजेंट क्या परफॉर्म करके दे रहा है एनवायरमेंट में। ठीक, एजेंट फंक्शन की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो एजेंट प्रोग्राम है। एजेंट फंक्शन बजाते खुद कोई इम्प्लीमेंटेड चीज नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक ओवरऑल आइडिया होता है एजेंट का क्या काम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक रेफ्रिजरेटर है, आप कहीं भी कोई भी आपको कहेगा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर तो आपके जहन में फौरन आएगा ठंडा करता है। ठीक, तो ये ठंडा करना क्या है, उसका एक फंक्शन है। ठीक, इसके अलावा पानी का डिस्पेंसर भी लगा हो सकता है, कुछ भी, वो बाकी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। एक ओवरऑल आइडिया क्या होता है कि वो ठंडा करता है, तो ये फंक्शन हुआ। उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन किसी और चीज के थ्रू हुई होती है, उसकी डिटेल जो होती है वो एजेंट प्रोग्राम होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल है। जो एक ओवरऑल आइडिया है कि मैं एनवायरमेंट में क्या टास्क परफॉर्म करके दे रहा हूँ, उसे आप कहते हैं एजेंट फंक्शन, और वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट इट डजंट हैव द इम्प्लीमेंटेशन, इट डिपेंड्स ऑन एजेंट प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ऑलराइट, अब एजेंट प्रोग्राम की इनपुट की तरफ आएंगे, तो सिर्फ करंट परसेप्ट होती है, जो अभी जैसे जैसे एनवायरमेंट से उसे डेटा मिल रहा है, फौरन फौरन वो उसके ऊपर कोई एक्शन करके आपको काम परफॉर्म करके दे रहा है, तो ये उसकी एजेंट की इनपुट होती है, जो सेंसर से डेटा फौरन फौरन आ रहा है साथ के साथ। और आउटपुट क्या होगी, एक्शंस टू दी एक्चुएटर्स, जो एक्चुएटर्स को फौरन अवेक करेगा, इन्वोक करेगा और कहेगा कि आपने ये जो एक्शन है ये परफॉर्म करना है अब एनवायरमेंट के अंदर। तो सारे ये कंट्रोल जो है ये एजेंट प्रोग्राम के पास है। ठीक, अब एजेंट फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब परसेप्ट से एक्शन में मैप करना, परसेप्ट हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, कि ओवरऑल वर्क के साथ काफी सारे इकट्ठे हुए, तो फिर आपने स्टडी किया, अच्छा इस एजेंट का काम ये है, इसे हम कहेंगे एजेंट फंक्शन। करंट परसेप्ट के ऊपर जब चलेगा, जब फौरी फौरी परसेप्ट आ रहा है, फौरी फौरी एक्शन दे रहा है, तो वो बन जाएगा एजेंट प्रोग्राम। जब हिस्ट्री कलेक्ट हो जाएगी, जब विद द टाइम वो रन कर लेगा, एक दो साल चल लेगा, चलो 6 महीने चल लिया, तो जो हिस्ट्री की बेस पे उसका फंक्शन बनेगा कि ऐसे एनवायरमेंट में इसने ये काम किया था, एनवायरमेंट की स्टेट ये थी, इसने ये टास्क परफॉर्म किया था, तो हम कहेंगे ये एजेंट का फंक्शन बन गया है। एजेंट फंक्शन एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर फर्दर क्या चीज काम करती है वो है एजेंट प्रोग्राम। अब एजेंट फंक्शन के इनपुट्स देख लेते हैं। इसमें पूरा परसेप्ट का सीक्वेंस आता है, इंटायर मींस कंप्लीट परसेप्ट सीक्वेंस। अब पूरा परसेप्ट सीक्वेंस रखने के लिए हमें बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए, हमें बहुत बड़ी मेमोरी चाहिए, हमें रैम चाहिए, हमें कैश चाहिए। ठीक, वजह यह है कि जब आपने इंटायर परसेप्ट सीक्वेंस किसी चीज का बिल्ड करना है, तो उसके लिए एजेंट को सारा कुछ याद करना पड़ेगा। जब याद रखना पड़ता है, तो कंप्यूटर की टर्म्स में किसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए हम मेमोरी यूज करते हैं, मेमोरी के लिए डेटाबेस चाहिए। ठीक, तो ये काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिंपल एक प्रोग्राम को, एजेंट प्रोग्राम को रन करना करंट परसेप्ट की बेस पर बहुत आसान है, लेकिन जब एजेंट फंक्शन विद द टाइम कलेक्शन हो जाती बहुत सारी चीजों की, तो फिर वो काम थोड़ा टफ हो जाता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अगेन वही बात कि एजेंट प्रोग्राम इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन खुद कुछ नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं एजेंट प्रोग्राम के थ्रू। विद द टाइम जब बहुत सारे एजेंट प्रोग्राम रन हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं चलें ये एजेंट फंक्शन की बात आ रही। अब आते हैं एजेंट आर्किटेक्चर की तरफ। अब एजेंट का जो भी हार्डवेयर है सारा, उसके अंदर सेंसर्स हैं, उसके अंदर एक्चुएटर्स हैं, उसके अंदर जो भी और पार्ट्स, जिस तरह कंप्यूटर का मॉनिटर का ये आउटर सिस्टम होता है, प्लास्टिक जो भी लगा है अंदर, रैम की हार्डवेयर है,
रोम का है, जो भी चिप्स लगी हैं, वो सारे क्या होता है, आर्किटेक्चर, जिनसे मिलके एक एजेंट बना होता है। सॉफ्टवेयर पार्ट को हम एजेंट प्रोग्राम कहेंगे, हार्डवेयर पार्ट को हम कहेंगे एजेंट आर्किटेक्चर। एजेंट प्रोग्राम रन्स ऑन सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस विद फिजिकल सेंसर्स एक्चुएटर्स। ठीक, ये फिजिकल पार्ट्स हैं, इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। और भी कोई मशीन जिससे वो मिलके बनाओ, फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक डिवाइस जो है, उसके अंदर जो फिजिकल सेंसर लगा हुआ है वो बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन में एक चिप है, छोटी सी एक LED टाइप लगी हुई है। ठीक, वो क्या है, सेंसर है, उसका हार्डवेयर पार्ट है, और जो बाहर आपको सारा उसका नज़र आता है, एक LED सी लगी है जिससे आपको स्क्रीन पे आउटपुट आ रही है, उसके अलावा वो जो उसकी प्लास्टिक की बॉडी है जिसके अंदर सारा सिस्टम इनकैप्सुलेटेड है, ये सारा एजेंट का आर्किटेक्चर है। इसके अलावा कोई वायर्स होंगी, वो भी एजेंट का आर्किटेक्चर है। सारा हार्डवेयर पार्ट आप कहेंगे कि ये एजेंट का आर्किटेक्चर है। ऑलराइट, अब ओवरऑल हमने देख लिया स्ट्रक्चर के अंदर चार चीज़ें हैं, एजेंट का बिहेवियर, वो एक्शन जो वो एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमने देख लिया एजेंट का प्रोग्राम क्या होता है, काफ़ी डिटेल देखा कि सिंगल परसेप्ट जो आ रही है एनवायरनमेंट से, जैसे जैसे सिंगल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके उसके अगेंस्ट जो प्रोग्राम एक्शन करके दे रहा है वो प्रोग्राम बन गया। उसके बाद जब विद द टाइम सीक्वेंस कोई चीज़ इकट्ठी हो जाएगी, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन कर गए, विद द टाइम सीक्वेंस हमने हिस्ट्री में रखना शुरू कर दिया, तो फिर हम कहेंगे कि ये एजेंट का फंक्शन बन गया। और एजेंट का फंक्शन हमने एक और बात देखी कि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको इम्प्लीमेंट प्रोग्राम ही करता है। और उसके बाद हमने देखा कि एजेंट का आर्किटेक्चर, ठीक, जो फिजिकल उसकी चीज़ें जो हार्डवेयर है वो क्या है। ठीक, चार चीज़ें मिलकर स्ट्रक्चर बनाती एजेंट का। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी वैक्यूम क्लीनर की। हमने देखा था कि वैक्यूम क्लीनर को आपने एक दफ़ा रन किया, अगर वो रूम ए के अंदर था तो उसने सक कर लिया अगर वहाँ डेथ थी, तो ये इसकी एक परसेप्ट की हिस्ट्री में शामिल होगी, उसका एक प्रोग्राम में जो उस टाइम परफॉर्म किया। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम वो रूम नंबर बी में गया, उसने वहाँ क्या देखा, अगर रूम क्लीन था तो उसने नो ऑपरेशन किया, तो ये आप ऐड कर देंगे उसकी परसेप्ट हिस्ट्री में। फिर वो रूम ए में वापस आया, नहीं था कुछ, नो ऑप किया, ये परसेप्ट हिस्ट्री में गया। इस तरह जो वक्त के साथ साथ वो काम करता जाता है, वो उसका परसेप्ट सीक्वेंस बनता है कि ऐसे वक्त में अगर डर्ट मिली उसे और वो इस लोकेशन में था तो उसने ये किया, उसके बाद अगर नहीं मिली उसे उस लोकेशन पर डर्ट तो वो दूसरे रूम में मूव कर गया, वहाँ अगर डर्ट थी तो उसने ये किया। तो इस तरह वक्त के साथ साथ एक परसेप्ट का सीक्वेंस बनता जाता है, और इस सीक्वेंस को जब आप ओवरऑल देखते हैं जिसमें सारी परसेप्ट्स कवर हो जाती हैं, जिसमें कोई एक कॉम्बिनेशन रह नहीं जाता, जिसमें सारी एक्शन की परसेप्ट्स कंप्लीट हो जाती है, आप कहेंगे एजेंट का फंक्शन बन गया। इम्प्लीमेंट किसके थ्रू हुआ, उसी प्रोग्राम के थ्रू। अब स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स क्या है, एजेंट इज इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। आर्किटेक्चर हमने पीछे देख लिया, आर्किटेक्चर इज द हार्डवेयर पार्ट एंड प्रोग्राम इज द सॉफ्टवेयर पार्ट दैट यू हैव रिटन। ऑलराइट, ये हम देख गए सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, सेंसर्स प्लस एक्चुएटर्स, ये दोनों चीजें डिस्कस हो गई हैं। एजेंट प्रोग्राम क्या है, इट सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट्स द एजेंट मैपिंग, ए क्वेश्चन मार्क, एक्चुअली एजेंट फंक्शन है, जो एजेंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन, इसका मतलब ये है एजेंट प्रोग्राम इज एक्चुअली द जॉब ऑफ AI। ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है एजेंट प्रोग्राम पे काम करना। यूजुअली जब आप FITs बना रहे होते हैं या जब हम MS के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस एल्गोरिथम डेवलपमेंट पे होता है, एल्गो डेवलपमेंट यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट। हम कोई आउटपुट MATLAB के अंदर कोई कोडिंग करते हैं, पाइथन के अंदर कोई कोडिंग करते हैं, तो वो हम सारा क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और टर्म है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है परसेप्शन एक्शन साइकिल। दो ये आपने सारा कुछ किया तो है, ठीक, लेकिन इसके अंदर अब कुछ परसेप्शन एक्शन साइकिल के हवाले से, ये टर्म के हवाले से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एनवायरमेंट होगी, उसे परसेप्ट्स लेंगे, एजेंट के पार्ट में सेंसर्स लगे होंगे, फिर उसके अंदर कोई मैपिंग होगी, कोई कोडिंग हो रही होगी क्वेश्चन मार्क वाले पॉइंट के अंदर, दिस इज द इनसाइड वर्किंग, है क्वेश्चन मार्क वाला जो पॉइंट है, इनसाइड इम्प्लीमेंटेशन है, ये वर्किंग है, एंड द पार्ट वी मेनली स्टडी इन द क्लास, यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोग्राम कितने टाइप्स का हो सकता है, ये जो आज हमने एजेंट के प्रोग्राम को डिस्कस किया, इसको
फिर प्रोग्राम बताता है एक्चुएटर्स को कोई एक्शंस करने पे और वो एक्शंस जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये काम आप बेसिकली देखें, ये जो दो ब्लू एरोज जा रहे हैं और आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, एक है परसेप्ट्स और दूसरा है एक्शन। तो एनवायरनमेंट से परसेप्ट्स लेता है और एनवायरनमेंट में ही एक्शंस देता है, इसलिए इस साइकिल को, साइकिल चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है एक लूप की तरह, इस साइकिल को हम कहते हैं परसेप्शन एक्शन साइकिल। एनवायरनमेंट से जब ये परसेप्ट्स लेता है तब एनवायरनमेंट की स्टेट कुछ और होती है, जब ये एक्शंस एनवायरनमेंट में कर देता है वापस दे देता है तो एनवायरनमेंट की स्टेट पहले की निस्बत चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले रूम क्लीन नहीं था, ठीक, उसने एक्शन सेंसर से उसने डिटेक्ट किया, परसेप्ट से उसने डिटेक्ट किया, एनवायरनमेंट से उसने इंफॉर्मेशन ली, उसने देखा कि रूम क्लीन नहीं है, उसने एक्शन क्या परफॉर्म किया, सब तो सब करने के बाद एनवायरनमेंट की स्टेट पहले डर्टी थी एंड आफ्टर सेकेंड या जो उसने एक्शन परफॉर्म किया एनवायरनमेंट की स्टेट क्लीन हो गई। तो एनवायरनमेंट की स्टेट इस तरह चेंज हो जाती है हमेशा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह वो मैं आपको स्मोक डिटेक्टर की अक्सर एग्जांपल देती हूँ, उसमें देखें पहले कोई रेन नहीं हुई थी, एनवायरनमेंट बिल्कुल ड्राई थी, बिल्कुल ड्राई। अब जैसे ही कोई स्मोक डिटेक्शन हुई, उसने रेन कर दी शॉवर ने, तो एनवायरनमेंट पहले ड्राई से सोक की तरफ होगी, गीली होगी, पहले सूखी थी फिर गीली होगी। तो एनवायरनमेंट हमेशा चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट की स्टेट एक स्टेट से चेंज होती है, ये बात भी आपने याद रखी। ऑलराइट, दिस एंड्स द लेक्चर नंबर 5।